मेरा नाम हेमंत दीक्षित है। मैं आपको सीईटी के लिए शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स। उसमें स्क्वायर्स, क्यूब्स और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 के ऊपर बेस्ड एक डिवीजन बाय 11 का शॉर्टकट है। आपको जहां तक मुझे मालूम है 16 का स्क्वायर मालूम हो सकता है, तो 16 का स्क्वायर आपके पास है 256। अभी आपको 17 का स्क्वायर निकालने का है, तो आप क्या करोगे, ये नंबर में ये नंबर ऐड करोगे और उसमें ये नंबर ऐड करोगे, तो आपको ये नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। लेट अस डू इट। 256 प्लस 16 प्लस 17, 17 का स्क्वायर है 289। इसके बाद हम क्यूब्स का देखेंगे। जैसे 11 का क्यूब है 1331 और आपको 12 का क्यूब मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये जो 11 का क्यूब, जो नंबर का क्यूब आपको मालूम है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कांस्टेंट है ट्रिक का। और बाद में कौन से नंबर का आपको क्यूब मालूम है वो नंबर से भी एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये भी कांस्टेंट है ट्रिक का। अभी ये जो आंसर आएगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा, उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अभी ये आएगा 31330 अपॉन 10, सो द आंसर इज 993 माइनस 2 विच इज 397। अभी ये 397 आपको 1331 में 397 ऐड करने का है, तो आपका आंसर आया 21728 जो कि 12 का क्यूब है। अभी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 जस्ट रिवाइज करते हैं और उसके बेसिस पे कोई नंबर जो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 पास करता है उसको 11 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा वो आंसर कैसे निकालने का, वो भी क्विकली कैसे फाइंड करने का वो हम जानते हैं। जैसा कि मेरा एक नंबर है 9251। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 क्या बोलता है कि सम डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस्ड डिजिट्स, दैट इज इन दिस केस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड डिफरेंस बिटवीन दिस टू, सो 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। इफ दिस डिफरेंस is 0 or divisible by 11, then the number will be divisible by 11. This number passes the test of divisibility test of 11. So let us find how we will quickly find out what will be the quotient, that is the number which we will get after dividing this number by 11. So what you have to do, you have to just subtract the last digit from rest of the number. So answer is 924. Then again go keep on doing that. ऐसा करते रहो, तो इसमें से लास्ट डिजिट क्या है, ये 924 का 4, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया 88। फिर से ये लास्ट डिजिट क्या है 8, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया 0। नाउ माय आंसर इज 841। सो 9251 अपॉन 11 इज इक्वल टू 841। थैंक यू।
If you like my channel, please share it and like it or मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Hemant Dikshit, thank you.